बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर. द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी. तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है वो समझ के ले लो आप लोग. ये मैग्नेट है मान लो, बार मैग्नेट. यहाँ पर एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, यहाँ पर एक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इंटू डी. एंड अभी इसको क्या किया हम लोगों ने, बेंड किया. तो ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम के अंदर ये पोल है, इसका स्ट्रेंथ माइनस एम, इसका स्ट्रेंथ है प्लस एम, एंड ये दोनों पोल के बीच का, इवन तो हम लोग बेंड करेंगे तो भी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, डी रहेगा, राइट. तो अभी इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला के अंदर डी होता है ना, ये जो डी है ये दो पोल के बीच का डिस्टेंस है, बट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ऐसा मान सकते हो आप लोग. तो यहाँ पर जो एम डैश है ना, नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यम इंटू ये वाला डिस्टेंस आएगा ये. तो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो ऑब्वियस है ये भी आर होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये आएगा आर. तो अभी ये आर, ये डी, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा हमें निकालना है. तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है. तो आर्क मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस डी है, तो ये है आपका थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर, एंड थीटा कितना है, पाई बाय थ्री है. तो देखो यहाँ पर हमें आर का वैल्यू क्या मिला, थ्री डी बाय पाई मिला. तो यम डैश के फॉर्मूला में पुट करो वो क्या आएगा, यम थ्री डी बाय पाई मिला. तो यम का फॉर्मूला है, यम डैश का फॉर्मूला है, तो यम डैश बाय यम अगर मैं करता हूँ, थ्री यम डी बाय पाई डिवाइडेड बाय यम डी, एम डी एम डी कैंसल आउट, यम डैश का वैल्यू क्या है, थ्री एम बाय पाई है. क्या है, थ्री एम बाय पाई. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट.